ओम शांति। निश्चय हमारी विजय का प्रमुख आधार है। किसी को स्वयं में बहुत निश्चय होता है, बाबा में भी संपूर्ण निश्चय होता है, और किसी किसी के पास इस निश्चय की काफ़ी कमी होती है। निश्चय और संशय ये हमारे अनुभवों के आधार बनते हैं। जिस मनुष्य को संशय करने की आदत पड़ जाती है, जो हर घटना को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को डाउटफुल नज़र से देखता है, वो स्वयं भी व्यर्थ संकल्पों में बहता रहता है और उसकी शक्तियां भी नष्ट होती रहती हैं। जबकि निश्चय मनुष्य को बल प्रदान करता है। तो पहला निश्चय होना चाहिए स्वयं में, और फिर निश्चय होना चाहिए अपने प्राणेश्वर प्यारे बाबा में। तीसरा निश्चय होना चाहिए इस विश्व ड्रामा के ज्ञान में, और चौथा निश्चय होना चाहिए बाबा के कार्य करने के तरीके में, उसकी मदद में, उसकी सामर्थ्य में। हम बाबा को कई चीज़ें समर्पित तो कर देते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों में हमें विश्वास नहीं रहता कि पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा विश्वास, हमारा निश्चय हमें सफलता की ओर ले चलेगा। तो अपने को चेक करें, कहीं हमारे अंदर डाउटफुल नेचर तो नहीं है, कहीं हम हर कार्य में अपने में ही डाउट तो नहीं करते, कहीं आप दूसरों को डाउटफुल नज़र से तो नहीं देखते। कईयों में ये आदत होती है, दूसरा व्यक्ति किसी बात भी कर रहा होगा तो अनेक तरह के डाउट होंगे। इससे हम बाहर हो जाएं। जिन्हें अब महान योगी बनना है, जिन्हें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है, जिन्हें इस विश्व गगन में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकना है, उन्हें तो अब एकाग्र होना चाहिए, उन्हें तो फोकस कर देना चाहिए, डेडिकेट कर देना चाहिए स्वयं को केवल एक बात, और वो एक बात है अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चाहे वो लक्ष्य बाप समान बनने का हो, चाहे वो लक्ष्य कर्मातीत होने का हो, चाहे वो लक्ष्य साक्षात्कार मूर्त बनने का हो, चाहे वो लक्ष्य महान योगी बनने का हो, उसके प्रति स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दे। तो आइए हम सभी निश्चय करें अपने भविष्य में, निश्चय करें अपने माला के नंबर में, मेरा यही नंबर होगा। बाबा में निश्चय करके अपने चित्त को पूरी तरह शांत कर दें। जहाँ बाबा के निश्चय का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं स्वयं में निश्चय बहुत बड़े महत्व का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसे संपूर्ण निश्चय के साथ करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें कि इसमें हमें सफलता होगी ही, ये हमारा ही कार्य है। हम अपनी शक्तियों में संपूर्ण विश्वास करें, ऐसा नहीं अपने को निर्बल समझते रहें। जिनको आत्मविश्वास की कमी होती है वो हर कर्म में निगेटिव सोचने लगते हैं, और निगेटिव सोचने की आदत पुनः इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन कर देती है। तो हमें, जैसे हम चाहते हैं दूसरे हम में निश्चय रखें, विश्वास रखें, हम भी स्वयं में भी विश्वास रखें और दूसरों में भी विश्वास रखें। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं पूर्वज हूँ, मुझे सब धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। मैं कल्प वृक्ष का मास्टर बीज रूप भी हूँ, जड़ें भी हूँ। मेरे संकल्पों का प्रवाह सारे संसार में पहुँचता है, सभी धर्मों की आत्माओं तक जाता है। हम खुश रहेंगे, सारा संसार खुश होगा। हम जितने पवित्र बनेंगे, सारे संसार को उसका बल मिलता रहेगा।
तो आज सारा दिन मैं पूर्वज हूँ इस स्मृति के साथ हम बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, स्वयं भगवान मुझ पे राजी हुआ है, उसने अपना वरदानी हाथ रख कर मुझे कहा बोलो बच्चे कौन सा वरदान चाहिए और हम ले लें उससे, और साथ साथ बाबा की शक्तियां स्वयं में भरते रहेंगे। ओम शांति।